गुड मॉर्निंग एवरी वन वेलकम टेली न्यूज पेपर एनालिसिस टू डेज मंडे वी आर डिस्कसिंग मेजर न्यूजे बीस दिसंबर है आज दिसंबर ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया ये साल खत्म ही होने को आ गया uh, काफी कुछ चीजें हैं रिफ्लेक्ट बैक करने के लिए आई थिंक प्रॉब्लम भी द नेक्स्ट फ्यू डेज एंड ऑन थिंग एज वेल हाउ दर गो तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एक बार जब फटाफट से जल्दी से शेयर कर दीजिए दैट वी आर लाइव फॉर द क्लास ज़्यादा न्यूज़ है नहीं आज मैक्सिमम थर्टी मिनट्स प्रॉबेबली थर्टी फोर्टी फाइव मिनट एक एडिटोरियल है दैट समथिंग काइंड ऑफ we have seen uh, earlier also then there are some basic set of news not too much to cover in the news क्योंकि हमने मेजरली संडे की न्यूज़ कवर कर ली थी मंडेज़ को जनरली कुछ ज़्यादा न्यूज़ रहती नहीं है तो um, जो मेजर न्यूज़ होती है वो आई थिंक आती है ट्यूसडे को ही Good morning, good morning all of you. Good morning. ओके okay. चलिए तो आज का मोटिवेशन कोट है द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर इज टू इन्वेंट इन अपना फ्यूचर खुद बनाए दूसरों पे ज्यादा ना विश्वास करें स्पेशली बहुत सारे लोग जो बोलते हैं कि अरे ऐसा कर लेना वैसा कर लेना ये कर लेना वो कर लेना डोंट बी इन दैट भेड़ चाल यू नो इन्वेंट योर ओन फ्यूचर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग अच्छा मेरी शक्ल नहीं दिख रही है आप लोग ओहो तो बड़ी ट्रेजिडी है अरे क्या करोगे देख के शक्ल चलो अभी दिख रही है मैं सोच रहा था तो धूप ले लेता थोड़ा आप लोग को नमस्ते जी नमस्ते मॉर्निंग गुड मॉर्निंग तो बेस्ट चीज ये है टू योर फ्यूचर ठीक है उसको बनाइए इन्वेंट करिए अच्छा अब आज है बीस तारीख बीस से लेके एटलीस्ट तीस दिसंबर तक वी विल हैव अ डेली स्पेशल क्लास तो आज तो करंट अफेयर्स रिविजन है तो आप कह सकते हो रिकैप फ्रॉम ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी ट्वेंटी टू तक चलेंगे Uh, दूसरी है सी सैट मैथ्स एंड आर सी आज मैं सोच रहा हूँ आर सी की क्लास ले लूँ आज आर सी पढ़ना है क्या आप लोग को अगर आप लोग आओगे तभी लूंगा नहीं तो फिर मैं तो मस्त फिर मैं इंजॉय करूंगा क्या करूँ मैं मैं भी बढ़िया हीटर वीटर में बैठूंगा रात को एंड बहुत हो रही है इफ़ यू पीपल वॉन्ट टू स्टडी आर सी आई कैन शेड्यूल एन आर सी टूडे नाइट एट टेन पी एम आर सी की क्लास सी सैट की रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पढ़ना है तो आ जाना ठीक है इसके अलावा आ, एक इन्वायरमेंट की भी सीरीज लूंगा इन्वायरमेंट करेंट अफेयर्स इन्वायरमेंटल इश्यूज जो मेजर इश्यूज हैं मेजर टॉपिक्स तो आरसी की क्लास फिर मैं आज शेड्यूल कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग हाँ बोल रहे हो कि मैं टीम को बोल देता हूँ शेड्यूल हो जाएगी ओके okay, तो भूलना मत ऑटोमेटिकली आ जाना और अब जो है ना अपने घड़ी में या रिमाइंडर लगा लो कि दस बजे क्लास होगी चाहे मैसेज आए चाहे ना आए रात को दस बजे फिक्सड है आप लोगों के लिए क्लास फिजिकल जोग्राफी की शिफ्ट करवाइए साढ़े सात बजे दस बजे ही टाइम रहेगा लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे दस बजे अच्छा दूसरा आप लोगों को बारे में बता दूँ प्लस कोर्स के बारे में अच्छा एक ये मैंने चेंज किया है थोड़ा मुझे भी जल्दी उठना पड़ेगा बट अब क्या करें अब आजकल उठना पड़ रहा है साढ़े आठ से टेन ए एम इन द मॉर्निंग इंडियन जोग्राफी सुबह क्लास लूंगा मैं बाईस सितंबर से अब तो आप लोगों को थोड़ा सुबह उठना पड़ेगा लेकिन आप लोगों को क्या फर्क पड़ता है आप लोग तो कंबल में बैठ के भी देख सकते हो मैंने एक सुबह रखी है क्लास मतलब बहुत दिनों बाद सुबह साढ़े आठ से दस रख रहा हूँ और डी एन ए हमारा होगा टेन थर्टी टू इलेवन थर्टी और

क्योंकि मैं सुबह ही ले लूँगा प्लस क्लास सुबह एट थर्टी मॉर्निंग में लूँगा पहली क्लास एट थर्टी एम पे इंडियन जोग्रफी का नया बैच आ रहा है अगर पढ़ना है तो आ जाना फटाफट फटा देखो पढ़ने वाले लोग तो कभी भी आ सकते हैं ऑफलाइन क्लास में तो सुबह आठ बजे क्लासेस चालू हो जाती है सुबह साढ़े आठ बजे ठीक है साढ़े आठ बजे इंडियन जोग्राफी का प्लस कोर्स है चालू हो रहा है दो दिन बाद और पॉलिटी और सोशलॉजी तो पता ही है आपको टाइमिंग फिक्स है इनकी एक दिन सोशलॉजी एक दिन पॉलिटी एक दिन सोशलॉजी एक दिन पॉलिटी ऐसे ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट डे रहेगा ट्वेल्व थर्टी पी एम पे और इसके बाद फिर पूरा खाली है दो बजे के बाद दस बजे तक चिल करो आप पढ़ाई करो रिवीजन करो जो करना है करो दस बजे सिर्फ सीधे सीधे आ जाना आप स्पेशल क्लास के लिए तो ये मेरा दिसंबर का और मोस्टली जनवरी का यही शेड्यूल रहेगा जनवरी में जब नया पॉलिटी कोर्स आएगा तब टाइमिंग देखेंगे बट अभी यही है तो अभी मैं शाम की क्लासेस शिफ्ट कर रहा हूँ मॉर्निंग में क्योंकि यार देखो मुझे लगता है कि हम लोग का दिन चालू ना हो तो जाता है बट हम बहुत धीमे धीमे चालू करते हैं बहुत टाइम हम लोग का ना मॉर्निंग में वेस्ट हो जाता है मुझे पर्सनली ऐसा फील हो रहा है लास्ट एक महीने से कि हम लोग की शुरुआत तो हो जाती है सुबह मतलब कुछ भी करो आप उठ तो जाते हो यार आठ बजे आठ नौ बजे तो वैसे ही उठना पड़ता है डीएनए के लिए तो उठना ही पड़ेगा तो आई थॉट कि उस उसको जो ना सुबह का जो टाइम है बहुत सारे प्रोडक्टिव आवर्स हम लोग लूज कर रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ़ दैट अभी शुरू शुरू में डिफिकल्ट लगेगा एट थर्टी एम इनिशियल दो तीन दिन डिफिकल्ट लगेगा जो लोग को आदत नहीं है मुझे भी लगता है यार मैं भी नहीं पढ़ाता सुबह सुबह साढ़े आठ बजे बट हाँ दिन और ये भी ये बात सही है क्योंकि विंटर्स में दिन छोटा होता है पाँच बजे ऐसा लगता है भाई अंधेरा हो गया घर भागो काम खत्म हो गया तो 8:30 थर्टी टू टेन ए एम हमारी ना इंडियन ज्योग्रफी का कोर्स हो जाएगा साथ साथ पता भी नहीं चलेगा और ये 22-25 लेक्चर में इसके 22 लेक्चर्स हैं ठीक है उसमें कंप्लीट हो जाएगा ये पता भी नहीं चलेगा जनवरी फर्स्ट वीक में इंडियन ज्योग्रफी हो जाएगा और फिजिकल जोग्रफी का चली रहा है उसका पार्ट टू बाद में आ जाएगा और साढ़े से दो जो है या तो आप पॉलिटी एक दिन रहेगा एक दिन सोशोलॉजी रहेगा इससे क्या होगा कि आपका दो बजे के बाद आप फ्री हो रिवाइज करो प्रैक्टिस करो सी करो जो करना है करो और टेन पी पे रहेगा सी की क्लास या फिर स्पेशल क्लास रहेगी तो आई नो थोड़ा टफ है एट थर्टी वाला करके देखते हैं कोई बात नहीं ठीक है सो दिस इज गोइंग टू बी द शेड्यूल और बीच में तो आपको पता ही है टी एन ए रहेगा यहाँ पे डी एन ए तो बीच में आपका है यूट्यूब पे दिस फ्रॉम टेन थर्टी टू इलेवन थर्टी थोड़ा इसको स्ट्रीमलाइन कर देंगे इंडियन जोग्राफी बाईस से पच्चीस लेक्चर लगेंगे मैक्सिमम ठीक है एवरीबडी गुड विद दिस क्लियर है रेडी हूँ सुबह साढ़े आठ बजे उठने के लिए मुझे भी उठना पड़ेगा मैं तो पढ़ाना है आप लोग तो कंबल में बैठ के लेट के एक पैर हवा में रख के हीटर में घुस के भी देख सकते हो मेरे को तो बैठना पड़ेगा यहाँ पे सुबह सुबह साढ़े आठ बजे धूप भी नहीं आती यहाँ पे हीटर लगाना पड़ेगा मुझे मेरा पर्पज़ ये है ना कोर्स करता खत्म ख़त्म हो जाएगा जल्दी कोर्स ख़त्म खत्म हो जाएगा तो इस वजह से जल्दी हो जाएगा और सुबह का टाइम यूटिलाइज़ हो जाएगा बड़ी मुश्किल से एक तो वो क्योंकि ना आफ्टरनून इवनिंग में ना एक तो पता मैं अगर करना भी चाहता तो कर देता लेकिन आफ्टरनून इवनिंग में प्रॉब्लम क्या है आफ्टरनून इवनिंग में इतने सारे ना क्लाशेज़ हैं किसी एजुकेटर की क्लास क्लैश हो रही है तीन बजे किसी की दो बजे उस चक्कर में करते 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 वो रात को दस बजे क्लास चली जाती है सुबह तो उठ के अच्छा आपको भी ये लगेगा इट्स नॉट जस्ट अबाउट मी आपके सुबह मतलब दो बजे तक आप समझ लो कि आप फोर फाइव आवर्स की इफेक्टिव स्टडी कर चुके होंगे डेढ़ घंटा जोग्राफी की क्लास डेढ़ घंटा सोशोलॉजी या पॉलिटी की क्लास तो आप जब तक दो बजे मतलब जब तक आधा दिन निकल चुका होगा तब तक आप ऑलरेडी पाँच छह घंटे की पढ़ाई कर चुके हो गे. आपके भी कॉन्फिडेंस में आएगा अरे यार मेरे तो खत्म ही हो गया टॉपिक तो आपके पास खुद भी आपको लगेगा दिन में बहुत घंटे बचे में रिवाइज करने के लिए कुछ और करने के लिए

इसलिए आप देखोगे दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ठीक है थीके? आपको पता है ईलॉन मस्क क्राइजेस एट फोर एम इन द मॉर्निंग जेफ बिजॉस जो ये लोग पाँच बजे उठ के क्यों क्योंकि ये लोग मेजर काम अपना सुबह कर लेते हैं सो दैट दे हैव टाइम लेफ्ट फॉर अदर वर्क इन द आफ्टरनून एंड इवनिंग यू गो एंड चेक एनी चाहे वो स्टीव जॉब्स रहे हो चाहे वो मस्क हो चाहे वो बेजोस हो ये जितने भी लोग होते हैं आप देखो ये सारे के सारे ना सुबह चार से पाँच बजे उठने की आदत है और ये सो जाते हैं दस ग्यारह बजे दे टेक प्रॉपर सिक्स सेवन आवर्स ऑफ स्लीप कभी कभी ऑफकोर्स जब शुरू में बहुत काम टफ रहता है तो चार पाँच घंटे ही होते हैं लेकिन ये लोग चार पाँच बजे उठने वाले इंसान हैं क्योंकि ये लोग क्या करते हैं चार से सुबह आठ बजे तक अपने मेजर ई मेल ईमेल चेक करना वर्कआउट करना सब कुछ कर चुके होते हैं आप किसी का भी देख लो किसी का भी देख लो चाहे सत्यन डेला हो या कोई भी हो या फिर आपके सुंदर पिचाई क्यों ना हो एवरीबडी राइजेस ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑलमोस्ट दिस पीरियड चार से आठ के बीच में एंड मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बिफोर ट्वेल्व उसके बाद ना फिर इनका पूरा दिन खाली होता है आर जस्ट अटेंडिंग रैंडम मीटिंग्स और घर भी और ये लोग बड़े सही होते हैं पाँच बजे घर चले जाएंगे अपने फिर फैमिली के टाइम साथ टाइम स्पेंड करेंगे फाइव पी के बाद नो कॉल्स नथिंग तो दैट इज हाउ आई थिंक यू नो आई थिंक वो ऐसी चीजें होनी चाहिए बट एनी वे आई होप आप लोग ने कॉम्बैट दिया था uh, कैसी कैसी रैंक रही सब लोगों की हाउ वॉज द कॉम्बैट यस्टरडे

क्योंकि एमएसपी से ना ट्रू फायदा तो इनका होता नहीं है ये हमने पहले भी बात करी है और क्या करना चाहिए तो इसमें मोस्ट द चीज़ें जो हैं बहुत सिमिलर हैं जो हमने पहले डिस्कस की हुई हैं कुछ एक दो चीज़ें हैं जो नई हैं बट ये उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो लोग बिल्कुल नए हैं या शायद जिनको पता नहीं है अबाउट द इशू ऑफ एम और जैसे अभी इसको इसलिए भी डिस्कस करना जरूरी है जैसे अभी आपको पता है फार्म बिल्स को रिपील किया गया है ठीक है तो उसके बाद रिपील करने के बाद जो किसान हैं उन लोगों की डिमांड ये है कि आप हमें एमएसपी जो है वो फिक्स कर दो और उसको लॉ में मैंशन कर दो विच इज समथिंग विच कैन बी डन टेक्निकली अभी भी एक लॉ में ही मैंशनड है एक तरीके से मतलब इनडायरेक्टली अगर नहीं भी मैंशन है फिर भी होता तो एम एस पी अनाउंस है ही हर साल और इट्स अ बिग पोलिटिकल इशू और कोई भी आप देखोगे जो गवर्नमेंट है वो रिस्क नहीं लेना चाहेगी कि वो एमएसपी अनाउंस ना करे तो टेक्निकली इवन इफ इट इज नॉट मैं स्पेसिफिकली इन एनी लॉ एम एस पी तो अभी भी अनाउंस होता ही है तो द पॉइंट इज कि हाँ उसको लीगलाइज करने में कुछ इश्यूज़ हैं और वो इश्यूज़ क्या उसके बारे में बात करेंगे एंड अ पैनसिया ठीक है एम एस पी जो है वो पैनसिया नहीं है इट इज नॉट गोइंग टू रियली सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम अरे सुरान सिंह राठौर ट्वेल्थ रैंक या वेरी गुड कंग्रेचुलेशन बाकी लोग की क्या रैंक आई किसने किसने कॉम्बैक दिया ट्वेल्थ रैंक इज वेरी गुड आई थिंक यू विल बी गेटिंग सम ऑफ द प्राइजेज मैं ब्रिलियंट या वेरी गुड कीप अप द गुड वर्क एंड And बाकी लोगों की कितनी रैंक आई है क्या बाकी लोग ने कैसे कॉम्बैट दिया जल्दी बताइए फटाफट आई होप दी एन एज हेल्पफुल एंड अच्छा पॉलिटी के क्वेश्चन कैसे लगे आप लोगों को पॉलिटी के क्वेश्चन करे थे आप लोगों ने आप लोग जाके देखना पॉलिटी अगर नहीं अटेम्प्ट किया होगा पॉलिटी के ज्यादातर क्वेश्चन जो थे वो डीएनए की क्लास से थे जो डीएनए में हम डिस्कस करते रहते हैं स्टेचुट्री बेल एंटीपेट्री बेल उसको लेके सारे सवाल थे एनीवे। anyway, अगर आप डीएनए फॉलो कर रहे हो बेसिक्स ऑफ पॉलिटी अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आई थिंक कल वाला पेपर डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए ठीक है तो अभी देखिए रिसेंटली एक बहुत बड़ा इशू हुआ है एमएसपी को लेके भी कि आपको पता है डब्ल्यूटीओ ने इंडिया के ऊपर शुगर सब्सिडी के ऊपर केस फाइल हो गया है और वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज है हमने इसके बारे में बात भी करी थी कि वो हर कंट्री जो बोल रही है कि भाई डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर जो ये एम्बर बॉक्स सब्सिडी उसको लेके इश्यूज होते रहते हैं तो कांग्रेचुलेशंस अगेन यार आई मीन एवरीबॉडी डज डू रियली वेल दैट्स ब्रिलियंट यार गेटिंग 12थ रैंक अब कितने लोगों ने दिया था टोटल डिड यू सी द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स

उसमें टेन थाउजेंड में अगर आपकी बारहवीं रैंक है तो इसको आप वहां पे क्या है आपको इसको फाइव टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो प्रीलिम्स में देखो यही होता है कैलकुलेशन हाउ डू यू मेजर परफॉर्मेंस फ्रॉम अ टेस्ट सीरीज तो अगर मान लो कि जैसे सूर्यांश की ट्वेल्थ रैंक आई है आउट ऑफ सेवनटीन थाउजेंड फोर हंड्रेड पीपल टेक्निकली सीरियस कैंडिडेट सेलेक्ट से दस हज़ार थे सात हजार को मैं मान रहा हूँ नॉन सीरियस थे तो अगर उसमें आई है और वहां पे भी मेन कॉम्पिटिशन सीरियसली सिर्फ पचास साठ हजार लोगों में होता है तो इवन इफ आई मल्टीप्लाई बाई सिक्स और इसको भी मल्टीप्लाई कर दू बाई सिक्स तो कितना हो गया तो साठ हजार लोगों में भी सूर्यांश की रैंक कितनी होगी बताओ सेवेंटी टू दैट मीन्स ही विल स्टिल बी इन टॉप हंड्रेड इन प्रिलम्स और प्रिलिम्स में तो टॉप हंड्रेड टू हंड्रेड का कोई लॉजिक ही नहीं है सिलेक्शन है बट स्टिल मतलब ही विल टॉप हंड्रेड मतलब कि ही विल बी इन दी लिस्ट ऑफ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस पीपल जो प्रिलिम्स देंगे ऐसे कैलकुलेशन ऐसे ना परफॉर्मेंस मेजर की जाती है अबाउट स्टेटिस्टिक्स तो आप भी इसीलिए तो ये कॉम्बैट जब दो तो आप एनालाइज करो कि अगर दस हजार लोग दे रहे हैं दस हजार में से अप्रोक्सीमेटली सिक्सटी परसेंट या मान लो चलो फोर्टी परसेंट भी जो है वो आपके सीरियस कैंडिडेट है ठीक है सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेटेड सो दिस इज हाउ यू मेजर यूर परफॉर्मेंस एंड दिस इज अ वेरी बिग कॉन्फिडेंस बूझ रहो सूर्यांश से पूछो सूर्यांश बताओ बाकी लोगों को जब आपकी रैंक ऐसे आती है तो आपको नहीं लगता कि हाँ मैं और पढ़ता हूँ और मेहनत करूँ ताकि मेरी रैंक लगता है कि नहीं लगता ऐसा जब आपकी परफॉर्मेंस होने लग मोटिवेशन हो अपने के लिए, न, आप लिए। That is why मैं बोलता रहता हूँ कॉम्बैट दो कॉम्बैट दो कॉम्बैट दो बिकॉज एक तो ना कॉम्बैट एक घंटे में आपको स्ट्रेस टेस्ट पे डालता है कॉम्बैट का एडवांटेज ये कि आपके ऊपर ना ये स्ट्रेस टेस्ट डाल रहा है स्ट्रेस मतलब कम है Generally, आप अगर कॉम्बैट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो वैसे कोई गारंटी नहीं है बट इट्स बेसिकली एन नश्योरेंस इन अ वन वे तो वहां पे तो टाइम आपके पास ज्यादा है क्योंकि कॉम्बैट में टाइम कम रहता है और अगर कॉम्बैट में कम टाइम में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो दैट मीन्स वहां पे और भी अच्छा परफॉर्म करोगे दैट इज वाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन दीज क्विजेज एंड टेस्ट एनी वे कमिंग बैक तो एम एस पी का केस इन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया है उन्होंने बोला देखो भाई लिगैलिटी ऑफ एस पी का मतलब ये होता है दैट नो वन इज अलाउड टू बाय अ क्रॉप बिलो बिलो इट्स वट एग्जैक्टली इज द डिमांड ऑफ द फार्मर्स फार्मर्स बोल रहे हैं कि आप जो है एमएसपी को लीगलाइज कर दो इसका मतलब ये है कि कोई भी बिलो एमएसपी प्राइस जो है क्रॉप uh, नहीं खरीद पाएगा इफ दिस डिमांड इज एक्सेप्टेड इट विल नॉट ओनली मेस अप द बट विल अल्टीमेटली टर्न आउट टू बी एन एंटी फार्मर द रीजन इज वेरी सिंपल इट इग्नोर्स द बेसिक लॉजिक दैट द प्राइसेज आर लार्जली डिसाइडेड बाई द ओवरऑल डिमांड एंड सप्लाई तो अब इसका एक बड़ा सिंपल लॉजिक देखो हम एम एस पी क्यों देते हैं हम एम एस पी एम एस पी इसलिए देते हैं क्योंकि मार्केट प्राइसेज अगर ज़्यादा कम हो जाएंगे तो हम एक तरीके का उनको बफर देते हैं अगर मार्केट प्राइस इफ दे आर टू लोथ सो देन एटलीस्ट ऑन एम एस पी यू कैन बाइट और मान लो कि आ, किसी चीज़ का हमने हज़ार रुपीज़ पर के जी या क्विंटल जो है हमने आ, माना कि चलो इसकी एम एस पी है अगर मार्केट प्राइस नाइन नाइन्टी चला जाता है तो हम एम एस पी में खरीदेंगे बट अगर मार्केट प्राइस ऑलरेडी ग्यारह सौ रुपये है तब थोड़ी एम एस पी पे कोई खरीदेगा आप लॉजिक सोचो ना अगर मार्केट में आपको ग्यारह सौ रुपये पर के जी मिल रहा है और यहाँ पे एम एस पी अनाउंस की हुई है हज़ार रुपये के जी ये तो एडवर्सिटी के टाइम के लिए बनाई गई है ना ठीक है ये बनाया गया इसलिए क्योंकि अगर मार्केट प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाएगी तो उस केस में हम जो है आपसे खरीद लेंगे और अगर ऑलरेडी एमएसपी के ऊपर मिल रहा है तो कौन खरीदेगा फिर प्राइवेट सेक्टर तो नहीं आएगा खरीदने वो तो ऑब्वियसली चाहेगा सस्ते में खरीदे हम तो इफ आई एम अ कंपनी आई वुड वांट वांट टू बाय इन एज लेस कॉस्ट एज पॉसिबल तो एमएसपी तो, में सबसे बड़ी बात यह है कि वो बना हुआ है शॉक के टाइम के कि जब मार्केट प्राइसेस बिलो चले जाए तो इन द केस ऑफ सरप्लस विच हैपेंस एट द हार्वेस्ट टाइम प्राइसेस फॉल टू क्लियर द मार्केट इफ एमएसपी इज अबव द मार्केट क्लियरिंग प्राइसेस नो वन फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर विल ऑल्सो बी विलिंग टू बाई द केस अब एक बात बताओ अगर देखो अब ये भी एक केस है इसी इसी सिनेरियो में दोबारा आ जाओ ये एमएसपी इसके लिए तो बनानी है पहली चीज एमएसपी एस बनाए कि जब मार्केट प्राइसेस बहुत कम हो जाए दूसरी सबसे बड़ी चीज आप एक इंसान हो ठीक है लेट्स डिस्कस टू सिनेरियोस यहां पे मैं इसको रिपोर्ट डिलीट कि ना एमएसपी का लॉजिक समझिए आप पहले है क्या यहाँ पे और क्यों नहीं प्रोक्योरमेंट ढंग से होता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ए और बी टू सी मार्केट प्राइस इस समय चल रही है रुपीज लेट से नाइन हंड्रेड और आपने एमएसपी अनाउंस किया हुआ है हजार रुपए आप जो हो परचेजर हो ठीक है लेट से यू आर गोइंग टू परचेज परचेज बी और विल यू परचेज ए आप खरीदने जा रहे हो नौ में एक चीज मिल रही है एक 1000 में मिल रही है अब ए को खरीदोगे या बी को खरीदोगे वेरी सिंपल लॉजिक है आपको खरीदना है आप बताओ यू विल बाय ए सिंपल लॉजिक क्यों क्योंकि भाई आपको सस्ते में मिल रहा है तो अगर आप एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी है उसे कुछ खरीदना है आपसे तो वो सस्ते में खरीदेगा ना कि हजार रुपए में क्यों खरीदेगा तो अब इस केस में क्या होता है कि जब ऐसी बात हो जाती है तो प्राइवेट सेक्टर खरीदने नहीं आएगा तो अल्टीमेटली कौन प्रोक्योर करेगा गवर्नमेंट ओनली नाउ गवर्नमेंट ओनली इज लेफ्ट बट यू ऑल्सो नो गवर्नमेंट ओनली हैज लिमिटेड कैपेसिटी लिमिटेड कैपेसिटी है वो सबसे तो प्रोक्योर कर नहीं सकते तो वो क्या करते हैं एफ वाले वो जाएंगे सिलेक्टिव फार्मर्स के पास सेलेक्टिव जो जो बड़े फार्मर्स होते हैं उनके पास जाएंगे उनसे प्रोक्योर कर लेंगे और फिर वो क्या पीडीएस के लिए एक्स्ट्रा जो बफर स्टॉक है वो आपका PDS के लिए चला जाएगा ये होता है एमएसपी के चक्कर में जो घाटा होता है समझ तो में आया ये है लॉजिक इसको देखो मैं यहां कर देता हूं आके आपको दिखाई दे ये गवर्नमेंट क्योंकि अब प्राइवेट सेक्टर खरीदेगा नहीं वो तो ऑब्वियसली मार्केट वाले रेट पर खरीदेगा नुकसान तो वो हो रहा है किसको हो रहा है नुकसान तो अल्टीमेटली किसान को होगा क्योंकि मार्केट प्राइस पे बेचना पड़ेगा बल्कि एमएसपी हायर है तो एमएसपी तो इसलिए दी गई थी क्योंकि अगर मार्केट प्राइस ज्यादा कम हो जाए तो तो ये तो प्रोक्योर करने के लिए आएगा नहीं तो गवर्नमेंट ही प्रोक्योर करेगी अब जो किसान मंडी में नहीं बेचेगा बेसिकली दिस इज द मंडी रेट व्हाट आई एम व्हाट आई हैव मेंशन ए इज द मंडी रेट ठीक है तो मंडी रेट पे अब आप बेचोगे नहीं क्योंकि आपको लगता है अरे एमएसपी तो ज्यादा है और ज़्यादा के चक्कर में सरकार आपसे प्रोक्योर नहीं करती वो बड़े फार्मर से कर लेती है गुंजन शर्मा यही तो समझ में नहीं आता ना उन लोगों को यही तो समझाना था वो तो पॉलिटिक्स के चक्कर में फंस गए बेचारे आपको पता है देर आर सो मेनी यू नो ओपिनियंस एंड और इनफैक्ट ऐसे भी जर्नलिस्ट हैं जो हमेशा एंटी गवर्नमेंट रहते हैं लेकिन उन्होंने भी फार्म लॉज को सपोर्ट किया था ठीक है बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो एंटी गवर्नमेंट है लेकिन दे सपोर्टेड फार्म लॉज बिकॉज दे अंडरस्टूड द रियलिटी ऑफ द लॉ दैट इट इज बेसिकली वेरी वेरी रिफॉर्मेटिव वो एग्रीकल्चर सेक्टर को रिफॉर्म करना था बट यही था कि कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स के पॉलिटिशियंस और उनके जो नेता और और जो किसान दल है ठीक है उन लोगों ने वहाँ के लोगों को ये सब चीज़ें इस तरीके से दिखाई वही होता ना कई बार आप अच्छा काम करना चाहते हो लेकिन सही तरीके से मैसेज कन्वे नहीं होता ना तो पॉलिसी इनफेक्टिव हो जाती है आपको मैंने बताया था इस बारे में कि कई बार पब्लिक पॉलिसी का सबसे बड़ा फेलियर पॉलिसी नहीं होती कम्युनिकेटिंग द पॉलिसी टू द डिजायर्ड सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन इज द बिगेस्ट फेलियर कि हमने उनको समझा नहीं पाया इस तरीके से कि ये आपके फायदे के लिए है पॉलिसी अच्छी थी बट पॉलिसी के से समझा नहीं पाए तो अभी आप देखो इसमें क्या है अब लास्ट रिजॉर्ट है सरकारी बाई करेगी क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो बाई करेगा नहीं तो एल फार्मर विल बी लेफ्ट हाई एंड ड्राइव विद नो बायर्स

अनलेस दिस पीडियस इज रिफॉर्म्ड आइदर बाय टू से बॉटम थर्टी परसेंट ऑफ दॉपुलेशन और रेजिंग द इशू प्राइस उसे हाफ द इनोमिक कॉस्ट ऑफ द राइस एंड वीट गिविंग अ बेटर डील टू फार्मर इज लाइकली टू गो लो अप द फिजिकल पोजिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं प्रोक्योर कर सकते सर पैसा नहीं है सबसे बड़ी सब्सिडी फूड सब्सिडी होती है आज के टाइम पर यह जो प्रोक्योरमेंट सब्सिडी है ना सबसे बड़ी सब्सिडी है क्योंकि इतना करप्शन है इसमें कि सरकार का रेवन्यू बहुत ज्यादा जाता है सारा का सारा रेवन्यू एक्सपेंडिचर है ये सब सब पूरा का पूरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है सबसे बड़ी सब्सिडी और ये आगे बढ़ने ही वाली है तो या तो हम लिमिट कर दें कि हम सिर्फ थर्टी परसेंट ऑफ बॉटम पॉपुलेशन के लिए प्रोक्योर करेंगे वो भी एक रिस्क है या फिर फार्मर्स के लिए कुछ और तरीका निकालें इनको हम कंसिडर करने के लिए कि हम इनके लिए कुछ और करें इस तरीके से तो नहीं हो पाएगा और एमएसपी लायक कब गया था 1965 में जब इंडिया का फूड ग्रेन शॉर्टेज था तो हमें जो है बेसिकली शिप टू माउथ बोलते हैं वो जो पी एल फोर एटी स्कीम्स थी यूएस के अंदर हमें उसे इम्पोर्ट करना पड़ता था फूड ग्रेन उस समय तब तक हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आया था तो ये तब लाया गया था ये तो आज के टाइम पे कितना आ, मतलब इसकी इफेक्टिविटी है या कितना ज़रूरी है वो भी तो फिक्स नहीं है ना टुडे वी आर नॉट रियली श्योर इफ़ वी नीड एम एस पी तो इट वॉज बेसिकली इन इंडिकेटिव प्राइस एंड नॉट अ लीगल प्राइस एंड प्रोक्योरमेंट राइस एंड वीट वॉज डन टू सपोर्ट द फार्मेन दे वर अडोप्टिंग न्यू सीड्स ऑफ हाई ईल्डिंग वेराइटी ऑफ टेक्नोलॉजी बट नाउ विद ग्रेनरीज ओवर फ्लोइंग विद राइस एंड वीट देर इज अट टू री थिंक एंड रिजाइन द प्रोक्योरमेंट पॉलिसी भाई बड़ा बड़ा अनाज सड़ जाता है सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ता है चुहे खा रहे हैं इतना ज्यादा है इसीलिए तो प्रोक्योरमेंट नहीं होता जबरदस्ती सरकार प्रोक्योर कर दी इतने जरूरत बे, नहीं है देने की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण हाँ योजना अन्य योजना के अंदर सबको डिस्ट्रीब्यूट किया उसके बाद भी बफर स्टॉक पड़ा हुआ।, हुआ है इतना ज्यादा बंपर प्रोडक्शन हुआ है एग्रीकल्चर एक ही सेक्टर था आपको पता है एग्रीकल्चर वॉज डूइंग वेल ड्यूरिंग कोविड और राइस एंड मीट का प्रोक्योरमेंट बंपर प्रोक्योरमेंट एंड बंपर प्रोडक्शन हुआ है अभी भी इतना एक्सेसर प्लस पड़ा हुआ है गोडाउन में पड़े बड़े सड़ रहा है अभी रिसेंटली बारिश बारिश हुई थी तो यहां पे भी कोई सड़ता सड़ता हुआ पाया गया तो फिर उस पर एक्शन लिया गया जो कंसर्न ऑफिशियल थे कि भाई अनाज पड़े बड़े सड़ रहे इससे बेटर तो गरीबों में बांट दो तो आप देखो इन द क्रॉप ईयर ट्वेंटी मिलियन मेट्रिक टन ऑफ राइस एंड फोर्टी थ्री एम एम टी ऑफ वीट प्रोर्ड बाई द फूड कॉरपोरेन ऑफ इंडिया एंड नाफेड प्रोक्योर अबाउट पॉइंट जीरो सिक्स सिक्स एम एम टी ऑफ पर्स ये भी याद रखिएगा प्रलियम्स के लिए इंपॉर्टेंट है पल्स जो है वो नाफेड प्रोक्योर करता है ठीक है एनएफी जो है बाकी राइस एंड वीट प्रोक्योर करता है आपका एफ सी आई तो इवन आफ्टर प्रोक्योरिंग मोर देसेंट ऑफ मार्केट एड सर्पलस मार्केट प्राइस ऑफ राइस वीट रिमेन बिलो एम एस पी से सोचो हमने पचास परसेंट मार्केट से उठा लिया गेहूं और चावल फिर भी मार्केट प्राइस इतना ज्यादा स्टॉक था कि मार्केट प्राइसेस फिर भी एमएसपी के बिलो थे आप ये सोचो सिनारियो कि कितना प्रोड्यूस किया होगा इंडिया ने फिफ्टी परसेंट उठा लिया हमने फिफ्टी परसेंट तो गवर्नमेंट ने ही ले लिया उसके बावजूद भी इतना बंपर सरप्लस या स्टॉक था कि अभी भी जो प्राइसेस थी वो नीचे ही रही ऊपर नहीं आई क्योंकि अगर आप शॉर्टेज क्रिएट कर देते तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस बढ़ जाती है दैट मीन शॉर्टेज हुई नहीं दैट मींस एवरीबडी वॉज एबल टू अफोर्ड राइस अलग अलग स्टेट्स का डेटा है यहां पे क्विंटल में दैट आर नॉट गोइंग टू द डिटेल

सूरज जो सरप्लस होता है वो एक्सपोर्ट करने के बाद है ये अब जरूरी तो नहीं है कि इंडिया की ही वेरायटी सब लोग खरीदेंगे अब राइस यू नो इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड वी आर द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस उसके बाद उसके बाद का ये हाल है हम ऑलरेडी सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं है राइस के उसके बाद का ये सिनारियो है सोचो आप तो कितना एक्सपोर्ट करें और जरूरी तो नहीं है कि हर कोई जो है वो इंडिया से ही खरीदेगा जो जितनी भी कंट्रीज हैं This is estimated on the basis of economic cost of operation that are usually about uh, 30 percent higher than the msp but it appears that despite this market prices may stay uh, below msp especially during the harvest time it only raises the question why only these msp crops why not the other agri produce a milk the value of uh, which is more than the value of rice wheat and sugarcane combined तो बेसिक क्या है कि हमारा ना बहुत ही नैरोड फोकस है कि हम सिर्फ वीट राइस इस पे ही फोकस रहेगा इसके बारे में सोच ही नहीं रहे कि मिल्क जो है इसका प्रोडक्शन बढ़ाएं फिशरीज का प्रोडक्शन बढ़ाएं जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है प्राइस बहुत ज्यादा मिलता है इंटरनेशनल मार्केट में तो वन आर्ग्यूमेंट दैट इज फ्लोटेड इज दैट इंस्टेड ऑफ फिजिकल प्रोक्योरमेंट वन में यूज द प्राइस डेफिशंसी पेमेंट ये ऑलरेडी आप देखोगे भवंतर भुगतान योजना ये ऑलरेडी चल रही है एमपी में प्राइस डिफिशेंसी पेमेंट का मतलब होता है कि किसान जो है वो मार्केट प्राइस पे बेचेगा ठीक है वो मार्केट प्राइस पे बेच देगा और अगर एमएसपी ज्यादा है तो वो डिफरेंस जो है वो पे कर देगी सरकार उसके खाते में तो मान लो किसान ने मार्केट प्राइस पे बेचा एमएसपी था हजार रुपये इसने बेचा नौ सौ रुपये पे तो जो सौ रुपये पर के जी है ये सरकार उसके खाते में डाल देगी डायरेक्टली इन टू अकाउंट इसको बोलते हैं प्राइस डिफिशियंसी पेमेंट तो एक तो ये तरीका है जो सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है बट ये अभी अभी आप कह सकते हो कुछ स्टेट्स कर रहे हैं जैसे यू नो इट बीइंग डन इन इन मध्य प्रदेश आर्ट क्रॉप के लिए करते हैं सबके लिए नहीं कर सकते बट उसके बाद अगले साल ये बंद हो गया क्यों ढंग से नहीं हो पाया क्योंकि वहां पे ट्रेडर्स ने हंगामा कर दिया क्योंकि भाई हर किसी को अपना अपना हिस्सा चाहिए ना करप्शन कैसे होगा नहीं तो वहां पर जो ट्रेडर्स थे उन्होंने हंगामा कर दिया उसको लेके

तो बेस्ट वे क्या है कि भाई कुछ और इनकम पॉलिसी सपोर्ट निकालो मैं तो पहले ही बोलता हूँ भाई डीबीटी दे दो बात ही खत्म करो मैं तो पहले ही बोला डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दो बात खत्म ठीक है आप खरीदो बेचो जो करना है करो पैसा आपके पास है सरकार कम से कम ये तो नहीं बोलेगी कि भाई ऐसा नहीं मिला कम से कम सरकार के प्रति नाराजगी खत्म होगी कि सरकार कुछ नहीं कर रही है पैसा दो बात ही खत्म क्योंकि अभी हम क्या करते हैं ना अभी हम स्पेसिफिकली क्या करते हैं और अच्छा उससे क्या होगा फायदा है? हमें डब्ल्यू की सब्सिडी के चक्कर में नहीं फंसना पड़ेगा क्यों क्योंकि भाई हम जो पैसा दे रहे हैं वो किसान किसी भी तरीके से यूज कर सकता है अब आप कुछ भी करो उसका क्रॉप के करो पार्टी करो ठीक है घूमो फिरो ऐश करो मित्रों तो वो हमें क्या फर्क पड़ता है वो आपकी समझदारी सूझबूझ है हम तो ये मानते हैं भाई इंडिया में हर इंसान केपेबल है अपनी आ, आ, अच्छी और बुरी चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए उसमें डब्ल्यूटी कम से कम ये तो नहीं बोल सकता कि क्रॉप प्रोक्योरमेंट के लिए पैसा दिया गया सिर्फ तो वो एक एडवांटेज है अब आ जाते हैं अगले आर्टिकल पे इंडिया की मिसाइल कैपेबिलिटी के ऊपर बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल आया इंडियन एक्सप्रेस में आज बता रहे हैं कि इंडिया की मिसाइल कैपेबिलिटी क्या क्या है तो हिस्ट्री ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजी अगर देखोगे सबसे पहले भाई साहब माइसोर रूलर हैदर अली इज नॉन वेरी वेरी फेमस ये कई बार के में भी सवाल पूछा जा चुका है

इनटीन 1972 में प्रोजेक्ट डेविल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मीडियम रेंज सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल जो इसको इंडक्ट किया गया एंड uh, इसके समय आप देखोगे डी जो है ऑफिशियल स्टेब्लिशमेंट होता है बेस फॉर द फ्यूचर ऑफ दिस इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम आई जी एम डी पी इसको बोलते हैं तो बाई नाइनटीन एटी टू डी आर डी एल वॉज वर्किंग ऑन सेवरल मिसाइल टेक्नोलॉजीज अंडर दाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम तो अभी इंडिया के पास कौन कौन सी मेजर मिसाइल्स हैं पहली तो एंटी टैंक मिसाइल है गाइडेड मिसाइल जिसका नाम नाग है इसका हेलीकॉप्टर वर्जन उसको हेलीना बोला जाता है ठीक है सो देर इज अ स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल विद रेंज ऑफ टेन किलोमीटर दिस इज़ अ फायर एंड फॉगेट मिसाइल एक बार फायर कर दिया आपने तो टैंक में जाके लगनी लगनी है और ऑल वेदर में ऑपरेट करती है देन यू हैव हेलीना वर्जन इज ऑल्सो देर इसका सरफेस टू एयर मिसाइल अगर आप देखोगे uh, इस आकाश हैज़ ऑलरेडी बीन कंडक्टेड इन द आर्मी एंड द एयरफोर्स मीडियम रेंज में अगर आप देखोगे तो वी हैव द एम आर सैम ये मीडियम रेंज सर्फिस टू एयर मिसाइल ये नेवी के लिए कंप्लीट है और uh, उसके अलावा आप देखोगे जैसल मेरे बेस टू टू जीरो फोर स्क्वाड्रन है एयरफोर्स का वो फर्स्ट यूनिट है जिसको एम आर सैम दिया गया है शॉर्ट रेंज में अगर आप देखोगे तो नेवी की जो फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट है वह सक्सेसफुल रही है फॉर दिस काइंड ऑफ मिसाइल एयर टू एयर में अस्त्रा एयर टू एयर मतलब जनरली प्लेन्स में अटैच रहती है सो so ये फाइटर प्लेन जो डॉग फाइट होती है उसके लिए यूज होता है इंडिया बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल हैज बीन कम्प्लीटली टेस्टेड इट हैज रेंज ऑफ अराउंड हंड्रेड किलोमीटर सेवरल आई एफ प्लेटफॉर्म्स पर उसको टेस्ट किया गया है एयर टू ग्राउंड ऊपर से नीचे मारने के लिए रुद्रम मिसाइल नाम है न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल है इनिशियल टेस्ट द मैक्सिमम रेंज अबाउट टू हंड्रेड किलोमीटर ये सारे जो पॉइंट्स हैं आप प्रिलिम्प में पूछे जा सकते हैं टेस्ट किया गया था उसके अलावा ब्रह्मोस तो पता ही है आपको क्रूज मिसाइल है तो अभी अगर आप देखोगे ना इंडिया के दो इंटीग्रेटेड अगर आप देखोगे मिसाइल सिस्टम है एक को बोला जाता है आपके अग्नि सिस्टम और एक है पृथ्वी सिस्टम ये दो मेजर सिस्टम है इनको बोलते हैं मिसाइल सिस्टम जो बनाए जा रहे हैं एक तो आपका ऑल्टीट्यूड uh, बेस्ड है टू मोस्ट इंपॉर्टेंट आर दी अग्नि एंड पृथ्वी सीरीज बोलते हैं इसको दैट इज यूज बाई स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड आर सीरीज ऑफ मिसाइल अग्नि जो रेंज है जनरली आपको पता है फाइव थाउजेंड की रेंज वाली मिसाइल्स हैं इसमें सबने अग्नि फाइव सबसे ज्यादा आठ हजार से दस हजार तक जा सकती है एंड इज दी ओनली आप कह सकते हो रेंज ऑफ आई सी बी एम इंटर कॉन्टिनेंटल बलिस्टिक मिसाइल्स पृथ्वी कम रेंज की है ठीक है बट सरफेस टू सरफेस विद अ थ्री फिफ्टी किलोमीटर रेंज इसमें मल्टीपल मिसाइल हैं ये थोड़ी शॉर्टर रेंज के लिए है अग्नि इज फॉर अ हायर रेंज तो मॉडिफाइड वर्जन जो है वो अभी आपका यूज़ किया जा रहा है इसका तो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा इंडिया ने डीआरडीओ ने टेस्ट किया था ये हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है बट मेन चीज क्या है ये हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी जो है वो सिर्फ ना इज यूज फॉर डेटरेंस ठीक है वो कोई फायर नहीं करेगा इट इज़ जस्ट फॉर डेटरेंस डराने के लिए होता है और uh, कोई भी ऐसा नहीं है कि ये इसको यूज करना चाहेगा रशिया ने किया हुआ है चाइना ने भी डिमॉन्स्ट्रेट किया हुआ है यूएस ने भी किया हुआ है इंडिया के पास भी है उसके अलावा हमने अभी एक आपको पता होगा वो जो स्पेस में किया था मिशन शक्ति भी डिमॉन्स्ट्रेट किया हुआ है तो वॉट मेक्स इंडिया गुड इन मिसाइल टेक्नोलॉजी सो लेफ्टिनेंट जनरल है वो बोल रहे हैं कि अंडर द इंटीग्रेटेड मिसाइल गाइडेंस प्रोग्राम अगर आप देखोगे वी हैव दी पृथ्वी अग्नि एंड ब्रह्मोस सीरीज दे आर द वन ऑफ द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड एंड uh, जो क्रायोजन आपको पता होगा कि रशिया ने हमें क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी नहीं दी दी थी हमने तो खुद डेवलप की है अपनी क्योंकि जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था उसके बाद हमें रशिया ने बैन कर दिया था कि हम नहीं देंगे उन्हें लगा कि हम uh, ऐसी कोई मिसाइल बना लेंगे बट अपने आप बना बना लिया हमने क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी विद अग्नि फाइव यू नो ही सेट इंडिया इज़ वर्किंग ऑन अग्नि सिक्स एंड अग्नि सेवन विच वुड हैव अ मच लार्जर रेंज सो अभी सोचो अग्नि फाइव ऐसा है जिसकी आठ रेंज है अग्नि सिक्स डेफिनेटली जो होगा वो नौ हजार से दस हज़ार होगा और ये तो मतलब बारह तेरह हजार की रेंज की होगी एंड देन पृथ्वी विच डी आरडियो डेवलप कंसल्टेशन विद द आर्म फोर्सेज ओरिजिनली विद आर्मी एंड वेंट टू स्ट्रेटिजिक फोर्सेज उसके अलावा देखोगे पिनाका रॉकेट सिस्टम है वो भी जो मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है वो भी आपके फायर करने के लिए यूज़ किए जाएंगे भैया तो देखोगे रिसेंटली बहुत ज़्यादा टेस्टिंग चालू हो चुकी है बहुत सारे वेपन्स की बैक टू बैक बैक टू बैक टेस्टिंग हो रही है और नेवल हो चाहे आर्मी हो चाहे एयरफोर्स हो चाइना अगर पाकिस्तान से कंपेयर करें चाइना ऑफ़ कोर्स हैज़ मच मोर यू नो नंबर्स बट कई बार ना वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होता है वो सिर्फ दिखाते हैं कि हमारे पास ये हम ये कर देंगे वो कर देंगे बट दे ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट इंडिया ऑफ नाइनटीन सिक्सटी टू इज़ नॉट द सेम जो इंडिया आज के टाइम का है और uh, आज का इंडिया जो है वो अगर आपने थोड़ा सा भी कुछ फायर किया तो फुल फोर्स से फायर करेगा तो इवन चाइना अंडरस्टैंड दिस और चाइना को यह भी पता है कि अगर कुछ ऐसा कुछ तिकड़मबाजी किया तो दे आर अदर पावर्स लाइक रशिया तो इंटरवीन नहीं करेगा ज्यादा बट हाँ वो बीच में जो है थोड़ा सिचुएशन को कह सकते हो तो कंट्रोल करने की कोशिश करेगा बट यूएस विल कम इन सपोर्ट दिस दे ऑल्सो अंडरस्टैंड तो आजकल जितनी भी टेक्नोलॉजी टेस्ट की जाती है की जा रही है हाइपरसोनिक या जो भी है ये सारे के सारे डेटरेंस के लिए यूज कि जाते हैं मतलब यूज करने की पॉसिबिलिटी इनकी बहुत कम होती है बिकॉज दे आर वेरी वेरी डिस्ट्रक्टिव तो वो डराने के लिए कि हाँ हम इसको यूज कर सकते हैं सो इवन चाइना अंडरस्टैंड दिस और चाइना की पॉलिसी भी यही है चाइना तो देखो बिलीव्स इन सलामी टैक्टिक्स ठीक है सलामी टैक्टिक्स होता है सलामी जैसे चिकन काटते हो ना वैसे छोटे छोटे स्लाइसेस कट करके एरिया पे कब्जा कर लो दे नेवर गो फॉर फुल फ्रंटर वॉर बिकॉज दे ऑल्सो नो दे कांट अफोर्ड इट क्योंकि काफी सारी चीज़ें तो उनकी सिर्फ बोलने के लिए होती है एंड दे ऑल्सो नो की दे आर वन अगेंस्ट द दर कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट क्योंकि चाइना एक ऐसा कंट्री जिसने सबको परेशान करके रखा हुआ है इंडिया पे अगर कुछ भी होगा जापान सबसे पहले आएगा बिकॉज जब जपान सबसे ज्यादा एंटी फोर्स है चाइना का यूएस आएगा अंडर क्वाड ऑस्ट्रेलिया आएगा वियतनाम आएगा ये सारे कंट्रीज है जो परेशान है चाइना से रशिया इन्वॉल्व नहीं होगा आर वेरी स्मार्ट रशियंस दे बिलीव दे डोंट हैव परमानेंट एनिमी एनिमियन फ्रेंड्स रशिया को जहां लगा ना चाइना ने कुछ गड़बड़ किया है रशिया भी छोड़ देगा साथ उनका फिर पाकिस्तान बोलेगा पापा चलो कहाँ जाए साथ में चाइना और पाकिस्तान दोनों फिर ढूंढते हुए देखेंगे इधर उधर घूमते हुए मिलेंगे पता नहीं कहाँ है तो दोनों फंस जाएंगे बीच में ये सब सारे सारे साइड से तो दे क्लियरली रियलाइज दिस पॉइंट तो वो सब बहुत बात की बातें हैं कि वॉर होगा ये होगा वो पॉसिबिलिटी नहीं है बिल्कुल अच्छा एक रीसेंट कंट्रोवर्सी आई है रिगार्डिंग अ तमिलनाडु स्टेट सॉन्ग माने आई एम ग्लैड टू नो ठीक है तो अभी क्या हुआ तमिलनाडु सरकार ने ना एक ऑर्डर इशू किया है जहां उन्होंने बोला है तमिल थाई वातु करके जो ये है आ, दिस इज अ सॉन्ग प्रेजिंग मदर तमिल तो ये स्टेट सॉन्ग है तो उन्होंने बोला है कि हर गवर्नमेंट ऑफिस में पहले इसको प्ले किया जाएगा फिफ्टी फाइव सेकेंड सॉन्ग है उसको नेशनल एंथम की तरह बिगनिंग ऑफ फंक्शन और ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट ऑफिस में पहले इसको प्ले किया जाएगा और सबको खड़ा होना है इसको सिर्फ दिव्यांग जो है वो एग्जेम्पटेड है अब इसमें हाईकोर्ट में केस हो गया

Uh, संी सीमान करके नाम है इनका तो इसमें क्या है वहाँ पे ना इसको मैंडेटरी कर दिया गया है अ फंक्शन हेल्टेड म्यूजिक अकेडमी इन जनवरी ट्वेंटी फोर ट्वेंटी संस्कृत डिक्शनरी वॉज रिलीज एंड इसमें क्या है कि ये जो ये सॉन्ग है इसको प्ले किया गया बट कोर्ट ने रूल किया बिकॉज तमिल थाई इज अ प्रेयर सॉन्ग एंड नॉट एन एंथम एंड वाइल द हाइस्ट रेवर एंड रिस्पेक्ट शुड बी शोन टू दिस इट वॉज नॉट नेसेसरी टू स्टैंड फॉर इट तो कोर्ट की रीजनिंग है भाई उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट ऑर्डर था पहले भी ठीक है और मेमोरेंडम भी इशू किया जा चुका है कि भाई ये एंथम नहीं है इफ़ इट्स अ नेशनल एंथम देन यू हैव टू स्टैंड अप इवन इन नेशनल एंथम आप देखोगे उसको लेके बहुत कॉन्ट्रोवर्शल केस आ चुका है दैट यू डोंट नीड टू रियली स्टैंड अप ठीक है मतलब एक होता है रिस्पेक्ट करना एक होता है जबरदस्ती रिस्पेक्ट करना जैसे वो आपको याद सिनेमा हॉल्स में इशू हो गया था लोग लड़ाई करने लगाते थे कि सिनेमा हॉल में प्ले होता था अब तो प्ले करना ही बंद कर दिया

पालथी मार के योगिक पोज में लोग पूजा करते हैं उन्होंने बोला टेक्निकली देन इजेंट इट मोर जस्टिफाइड टू सिट एंड प्रे देन स्टैंड एंड प्रे तो इन्होंने बोला जो सन्यासी होता है वो लाइफ जो है मेडिटेटिव पोस्चर में जीता है अपनी तो, मेडिटेटिव पोस्चर तो ये होता है ना पालथी मार के पैर फोल्ड करके योगिक पोजिशन में आसन में आप हाथ जोड़ के या जैसे भी अगर मेडिटेशन कर रहे हो तो पूजा तो आप वैसे ही करते हो ना तो हाउ इट इज जस्टिफाइड टू स्टैंड तो टेक्निकली तो ये भी सही है

तो ऑर्गेनाइजेशन एम्फरसाइज ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी दैट डिपेंड्स ऑन द मेंबर टू इनाइट टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी बाकी छह नेशंस ने मिलके बोला है फॉर इमीडिएट एड फॉर अफगान इंडिया एंड सेंट्रल एशियन नेशंस जो हैं तो ये आपको पता है मीटिंग चल रही थी फॉरन मिनिस्टर्स उनकी एंड पाकिस्तान की मीटिंग जो थी वो आई ने बुलाई थी वहाँ पर तो उनको स्किप करके वो आ गए तो इंडिया एंड ऑल दी सेंट्रल एशियन कंट्रीज से फंडगानिस्तानसी तो ने इसी की बात सुनकर बाकी रूल बैनिंग ट्रीज इन कैपिटल यहां पर ना बह बहुत सारे ट्री कवर जो है खत्म हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी एक्सपेंशन एनसीटी ऑफ डेली में आप देखोगे बहुत सारे ट्री खत्म हो चुके हैं The value of of a tree during its lifespan 50 years is approximately 15 lakh rupees. अगर एक ट्री की वैल्यू है, आज के टाइम पे तो बहुत है तो सोचो हम कितना बड़ा इनवायरमेंटल लॉस कर रहे हैं उसके साथ साथ इकोनॉमिक लॉस भी है करोड़ का। तो ये इन्होंने देखो निकाला बेनिफिट ऑफ अ ट्री ड्यूरिंग फिफ्टी लाइफ स्पेन ड्यूरिंग फिफ्टी ईयर ऑफ ग्रोथ ओरिजिनल आज के टाइम पे है तो आज के टाइम पे अगर आप देखोगे ऑक्सीजन एनिमल फ्लैश बोन्स ये सारी एक्टिविटी आप कैलकुलेट करो पंद्रह लाख सत्तर हजार वैल्यू थी में पचास साल अगर एक ट्री जिंदा रहता है आज के टाइम पे उसकी वैल्यू हो गई है तीन करोड़ पचपन लाख थ्री पॉइंट दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ ट्री

Which focus on Barmer, Jaisalmer, Bikaner, and Jodhpur covered more than 50% of Thar Desert. Also, found that the vegetation cover and water bodies had increased in the area in the last 46 years. उसके अलावा एक इंटरेस्टिंग स्टडी आई है दैट एक्सेस रेन हैज अफेक्टेड द माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स इन कर्नाटका तो जनरली जो अक्टोबर नवंबर में ज्यादा बारिश हुई है उससे विंटर माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स अफेक्ट हो गया जनरली दस टू सी नो स्टॉक इन फ्लॉक इन लार्ज नंबर्स रेन ड्यूरिंग दिस टू मंथ विद्टी ईयर्स एंड हेल्प फिल अपर्ज इन वॉटर बॉडीज बट नॉट ऑल बर्ड प्रीफर है सबको पसंद नहीं है ना पानी. तो विंटर माइग्रेशन जो बर्ड है जैसे बार हेडेड गीस विच फ्लाइज फ्रॉम हिमालयाज फ्रॉम सदर्न चाइना एंड मंगोलिया आर येट टू बी साइटेड टील पिन टेल डक गार्गिनी कूट सैंडर ये सब जो है दे आर फ्यू अदर स्पीशीज़ विच रूस्ट इन ड्यूरिंग द विंटर सो अनादर सिरियो कॉमनक्रॉस द स्टेट वॉज दो सो कॉल्ड लेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड द यूज ऑफ एक्सकरवेटर ड्यूरिंग द डिसटिंग एक्सरसाइज बाकी तो काम हो ही रहा है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज ऑन ऑल ऑफ दोंग्स बाकी द इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल विच टू लिंक इलेक्टोरल रोल्स टू आधार द बिल नाउ बेसिकली विल अलाउ योर वोटर आई डी कार्ड टू बिल लिंक टू आधार तो इसको लेके जो है नो एप्लीकेशन फॉर इंक्लूजन ऑफ नेम इन द नेमेटर रोल विल बी डिनाइड एंड नो एंट्रीज इन द इलेक्टर रोल शैल बी डिलीटेड फॉर इन एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू फर्निश एन इंटीमेट आधार ऐसा नहीं कि आधार नहीं होगा तो आप वोट नहीं कर सकते बट हाँ इंक्लूड करा जाएगा इसको

बाकी स्मृति ईरानी जी ने बोला है कि जो आपके पोशन uh, डेटा है ठीक है उसको अंडर रैप्स रखा गया है बेसिकली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्राइवेसी हैज नॉट बीन मेड पब्लिक गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में बोला द डेटा वी डील विथ इज टू मेंटेन द प्राइवेसी ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन एंड बिकॉज इट इज बेसिकली देयर टू ट्रैक द मेल नरिशमेंट लेवल फ्रॉम ट्वेल्व पॉइंट थ्री लाख आंगनबाड़ी सेंटर्स एंड रिकॉर्ड न्यूट्रिशन इंडिकेटर्स ऑफ नाइन पॉइंट एट लाख बेनिफिशरी

बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल्स विल बी टैग्ड फॉर ब्रेस्ट फीडिंग फैसिलिटी मतलब ये ऐसे हॉस्पिटल्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा जहाँ पे uh, महिलाएं जो हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग कर सकती हैं तो, तो ऐसे इनिशिएटिव uh, लॉन्च किया गया है अंडर दिस यू हॉस्पिटल विल बी मार्क्ड एज हॉस्पिटल विद ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली फैसिलिटीज अकॉर्डिंग टू द नेशनल फैमिली देवर एटी एट पॉइंट सिक्स इंस्टीट्यूशनल बर्थ ओनली फोर्टींट परसेंट व्रेस्ट फेड विद इन द फर्स्ट आवर आरो इज़ वेरी क्रिटिकल फॉर द हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन बाकी मेजरली uh, आप देखोगे हैकिंग कहाँ कहाँ पे हुई कैप साइबर सिक्योरिटी बिज इन ट्वेंटी ट्वेंटी वन मेजरली तो आप देखो कोविन ऐप को हैक करने के लोगों ने कोशिश करी ताकि लोगों के पर्सनल डेटा को यूज़ कर पाए उसके अलावा चाइनीज़ अटैकर सबसे ज़्यादा थे उसके अलावा मेलवेयर था एक शेडो पैड करके दैट कैन हैंड अटैकर फुल कंट्रोल ऑफ द सिस्टम जैसे वर्ना कराया गया था वैसे अलग अलग टाइप के ये अलग अलग सॉफ्टवेयर uh, अटैक्स थे

साढ़े बारह बजे सोशोलॉजी की क्लास है आज घर का सुसाइड कंप्लीट करना और रिलिजन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है फटाफट आ जाइए साढ़े बारह बजे बिताइदिए फटाफट आन्सर यसका तो द करेक्ट आंसर इज बी ओनली ठीक है वन एंड थ्री दे आर गिवन अ प्रोविजन टू लेंड टू स्मॉल बिजनेसेस नहीं है ठीक है मतलब दे कैन एक्सेप्ट अ लिमिटेड डिपॉजिट वन लैख का ही तो है मतलब हाउ कैन दे लेंड फॉर स्मॉल बिजनेस लास्ट क्वेश्चन इज नॉर्थ सी बोल्टिक अटलांटिक ब्लैक सी वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करना है बहुत ईजी सवाल है नॉर्थ बोल्टिक अटलांटिक ओशन एंड द ब्लैक सी बहुत ईजीली हो जाएगा जल्दी बताइए फटाफट से तो भाई देखो बड़ा सीधा है अटलांटिक ओशन है फिर नॉर्थ सी है ठीक है उसके बाद आपका बोल्टिक है ब्लैक सी तो बहुत ही पीछे है तो ये मैप याद रखना बहुत ही काम आएगा अटलांटिक नॉर्थ नॉर्थ सी ऊपर है वेस्ट टू ईस्ट जाना है आपको अटलांटिक नॉर्थ बोल्टिक एंड ब्लैक सी ठीक है थ्री वन टू फोर चलिए तो, तो, तो बाकी मिलते हैं साढ़े बारह बजे सोशोलॉजी की क्लास के लिए पॉलिटी और सोशोलॉजी ऑल्टरनेट डे हुआ करेगा तो बाय द टीम जो नहीं दिख रहे होंगे वो दिख जाएंगे आपको दस बजे खुलेगा मत सी सैट कॉम्प्रीहेंशन आर सी क्लासेस थैंक यू इन हाफ एन आवर बाय गुड डे थैंक यू